वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि अगली क्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऑड इवन स्कीम को 4 से 15 नवंबर की अवधि में लागू किए जाने की घोषणा की गई। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने दो ऑड इवन स्कीम को 4 से 15 नवंबर की अवधि में लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स की घोषणा की गई। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, UNNCD COP 14। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में किस राज्य में लक्कमपल्ली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम में पहले एकीकृत युद्ध समूह के साथ किस प्रमुख अभ्यास का आयोजन करने जा रही है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, हिमविजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार संयुक्त राज्य व्यापार और विकास एजेंसी की मदद से कितने करोड़ रुपए की लागत से आपदा प्रबंधन उपकरण लगाने का प्रयास कर रही है ताकि राज्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, 140 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमनॉइड इंसान जैसे रोबोट फेंडर की सेवा समाप्त कर दी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, रूस ने अंतरिक्ष में अपनी पहले बार भेजे गए ह्यूमनॉइड इंसान जैसे रोबोट फेंडर की सेवा समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के किस माइक्रो बायोलॉजिस्ट की 166वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल के जरिए उन्हें याद किया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कितने एयरपोर्ट सिंगल यूज प्लास्टिक के मुक्त हो चुके हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है।
टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका आंसर है टी, अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था, ये दिया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, सिकंदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं क्या है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, संकटग्रस्त पशुओं पैरों इत्यादि की विस्तृत दस्तावेज, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, जर्मनी देश से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और जल्दी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।